2019 के चैंपियंस यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए अब तक ये वर्ल्ड कप एक बुरे सपने की तरह रहा है। और हो भी क्यों ना, अगर इस साल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें या फिर सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं नज़र आता है। और यही नतीजा है कि इंग्लैंड की टीम इस टाइम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर बनी हुई है और अब उन पर इस टूर्नामेंट से भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। चाहे इंग्लैंड की अप्रोच हो या फिर कप्तान जॉस बटलर, इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की पूरी टीम को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। शुरुआती चार मुकाबलों में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन इसके बाद भी कप्तान जॉस बटलर, जिन्हें इंडियन पिचेस पर खेलने का सबसे ज्यादा अनुभव है, इसके बावजूद वो टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए एक भी मुकाबले में नहीं उतरे। इसके अलावा इंडियन पिचेस, जहां पर अक्सर स्पिन गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद प्राप्त होती है और फास्ट बॉलर्स का रोल कम नजर आता है, इसके बावजूद भी मोइन अली, जिनके पास चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें लगातार शुरुआती मैचेस में बेंच किया गया और उनकी जगह एक ऐसे प्लेयर को खिलाया गया जो कि लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैम करन की, जो कि तेज़ गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और लोअर ऑर्डर में आकर रन्स भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में सैम करन के बल्ले से ना तो रन्स निकले, और अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो विकेट चटकाना तो छोड़िए, सैम करन अच्छी इकोनॉमी रेट के साथ भी गेंदबाजी करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसे में आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के इस फीके प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।